दीजिएगा नौजवानों को, जवाब दीजिएगा किसानों को, जिन किसानों को आप कहते थे कि लागत पर 50% मिलेगा। किसानों को ये वचन देते थे लागत पर 50% मिलेगा, और शिवराज सिंह का क्या कहना, मैं किसान का बेटा हूँ, जब ऐसे अच्छे जाते थे मैं किसान का बेटा हूँ। कैसे किसान के बेटे थे शिवराज सिंह जी, जस आप किसान के पेट में तो मारते हैं लात और छाती में मारते हैं गोली, और आप कहते हैं छाती थोक के कहते हैं बच्चे किसान का बेटा हूं। ये आपको समझनी है बात। मोदी जी आएंगे क्या बात करेंगे, कहेंगे देश मेरे नीचे सुरक्षित है, देश मेरे नीचे सुरक्षित है। जैसे कि 5 साल पहले देश असुरक्षित था। मैं तो मोदी जी को कहता हूं, मोदी जी जब आपने पैंट पजामा पहनना नहीं सीखा था तब पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी ने अपने देश की फौज बनानी थी, एयरफोर्स बनानी थी, हमारी नेवी बनानी थी, हमारे सैनिक स्कूल खोलने थे, हमारी मिलिट्री एकेडमी खोलनी थी। और मोदी जी आज आपको ठगने के लिए, आपको ठगने के लिए सीधी के लोग, हमारे विंध के लोग, मध्य प्रदेश के लोग सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, गरीब हैं, सब कुछ सहने के लिए तैयार हो जाते हैं, कभी कभी निराश होने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। पर मोदी जी आप उन्हें ठगेंगे ये सहने के लिए ही नहीं तैयार है, आप ठगने आए हैं उन्हें, बात कर उनसे बात करने नहीं आए आप, उनसे उनको ठगने आए हैं। और इस दफे तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अपने भविष्य को सुरक्षित रखें, मिलकर अपने हितों की रक्षा करें। हमने तो अपनी नीति और नियत का परिचय 100 दिन में दिया है, शिवराज सिंह जी के 15 दिन, मोदी जी के 5 साल आपके सामने है, और यही तस्वीर अब अपने सामने रखिएगा। सीधी जिले में बता दीजिए 20 नाम जिनको आपके कारण रोजगार मिला हो, ये तो हिसाब दे दीजिए हमें। और किस प्रकार से चिल्लाते रहते थे मोदी जी 5 साल पहले, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, किसके अच्छे दिन आए मैं पूछना चाहता हूं, किसके अच्छे दिन आए मैं बताता हूं, किसके अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जिनके पास 2-व्हीलर नहीं था, आज 4-4 4-व्हीलर लेके घूमते हैं, उनके अच्छे दिन आए। अब तो मोदी जी अच्छे दिन आ रहे हैं ये नहीं चिल्ला रहे, अब तो जनता कह रही है आखिरी दिन आ रहे हैं मोदी जी के, ये आज जनता चिल्ला रही है। ये कितना कैसे फला है 15 लाख 15 लाख, माताओं और बहनों ने बड़ी उम्मीद करी, सबसे खाते खुलवाए, कितने करोड़ लोगों से खाते खुलवाए, लोगों ने 600 रुपए डाल के खाता खोला, कुछ 600 के 500 रुपए हो गए, 100 रुपए तो बैंक ने काट लिए, ये आज 600 के 500 हो गए, और मोदी जी इसका जवाब नहीं देंगे। नोटबंदी कर दी कि काला धन को सफेद कर दिया, माताओं और बहनों को भी कष्ट हुआ, व्यापारी और व्यवसायी छोटे छोटे व्यवसायी वालों को तो कष्ट हुआ, पर माताओं और बहनों को भी कष्ट हुआ जिन्होंने 10-15 हजार रुपए छिपा के रखे थे ना, 10-15 हजार रुपए छिपा के रखे थे इस बेटी की शादी के लिए, कोई बीमारी के लिए, आज माताओं और बहनों को भी ये 10-15 हजार रुपए निकालने पड़े, सबको कष्ट दिया, और आज हिसाब किताब कुछ नहीं, आज उसकी बात नहीं करेंगे। मैंने सुना मोदी जी आने वाले हैं, सीधी जिले में आने वाले हैं, मोदी जी आप जवाब दीजिएगा, हिसाब दीजिएगा, इनको मूर्ख बनाने, इनका ध्यान मोड़ने